हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, उनके पास इतना कंटेंट कहाँ से आता है। क्योंकि जो कोई भी अगर नई अपडेट आती तो उनके ऊपर एक वीडियो बना देती, उसी का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और ये मतलब कि जो नए यूट्यूबर होते हैं, उनके पास मतलब कि उनको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे मैं अपनी वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये यूट्यूबर्स होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं। क्योंकि दरअसल होता है कि अगर आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल है तो क्या करना है आपको, अगर आपके फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं तो आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे कोई मतलब कुछ जो ब्रांड होते हैं फ़ोन के, सैमसंग, एप्पल, यामाहा, उनका यूट्यूब चैनल जो होते हैं, उनके यूट्यूब चैनल जरूर होते हैं, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और वहाँ पर अगर कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है या फिर कैसे उन्होंने अगर कोई मतलब कि नया अपडेट तो अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालते हैं। और जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी नज़र हमेशा जो बड़े बड़े मतलब कि जो ब्रांड होते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर होती है, ताकि उनको नया मतलब कि नया कुछ वहाँ से मिलता है, फिर वो जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना देते हैं। दरअसल होता है, अगर यामाहा ने या फिर सैमसंग ने कोई नया फीचर निकाला है, नया प्रोसेसर निकाला है, या फिर नया यूट्यूब चैनल मतलब कि नया कोई स्मार्टफोन निकाला है, तो उसका अपडेट वहाँ पे वो अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डाल देते हैं। और ये यूट्यूबर क्या करते हैं, फिर उसी का जो उन्होंने उस यूट्यूब चैनल में क्या बताया है क्या नहीं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लोगों को समझा देती है, या फिर उनको जो समझ में आए वो तो वो लोगों तक पहुँचा देते हैं। वैसे ही अगर यूट्यूब अगर अपनी नई कुछ पॉलिसीज़ निकालता है, तो लोगों को क्या लगता है, यार यार यूट्यूब का अगर यूट्यूब ने कोई नई पॉलिसीज़ निकाली तो क्या यूट्यूब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको मैसेज करता है या फिर ईमेल कर देता है कि हाँ हमने ये पॉलिसी निकालने वाले, और वो यूट्यूबर तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं और उनका वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता है या फिर वायरल हो जाता है। तो वो कैसे होता है कि यूट्यूब का भी एक यूट्यूब क्रिएटर अकाउंट है, वहाँ पे अगर यूट्यूब कोई भी जो यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ होती है, या फिर यूट्यूब का नया कुछ अपडेट आता है, यूट्यूब शॉर्ट हो गया है, या फिर यूट्यूब के कुछ मतलब कि वीडियोस होती है, या फिर वो यूट्यूब जो भी कुछ नई पॉलिसी में अपडेट करना चाहता है या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो ज़रूर डाल देता है। और ये यूट्यूबर क्या करते हैं, फिर उस वीडियो को देखते हैं, उनको जो समझ में आता है वो फिर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं, और उससे क्लेम भी नहीं आता, और मतलब कि ऐसे वो सब कुछ कर देते। और जो नए नए यूट्यूबर होते हैं, उनको ये सब कुछ पता नहीं होता, उनको लगता है यार ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास कुछ अलग दिमाग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही मैं आपको बताना चाहता था, अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना यूट्यूब चैनल मस्त छोड़िए। आपके पास अगर कॉन्टेंट की कमी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी मुझसे हो सके वो कॉन्टेंट आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आपको यूट्यूब पे जाना है, अगर आपका कोई अनबॉक्सिंग का, या फिर आपको लगता है मेरा मतलब कि आपसी जो आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड अगर कोई यूट्यूब चैनल पर अकाउंट है, तो उस अकाउंट पर जाकर आप सीख सकते हो कि उन्होंने कैसे वीडियो बनाए। अगर आपका कोई कार्टून का यूट्यूब चैनल है तो आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े कार्टून के यूट्यूब चैनल है उन्होंने कैसे रैंक किया, उनकी कैसे स्टार्टिंग हुई, आप वहाँ से सब कुछ सीख सकते हो और आप भी ग्रो कर सकते हो। आपको यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे हम अपनी वीडियो को अपलोड करें। जय हिंद, जय भारत।